जियो जेब्रा पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम जियो जेब्रा के विभिन्न टूल्स का प्रयोग करके ज्योमेट्रिकल शेप्स का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम जियो जेब्रा क्लासिक में जितने भी हमारे ऊपर टूल्स दिए गए हैं, ये इनबिल्ट फंक्शन है इनमें, तो इनकी के माध्यम से क्या क्या हम काम कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट टूल है, तो पॉइंट टूल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने ये ग्राफिक व्यू में यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट लगा के आपको एलजेब्रा व्यू में भी पॉइंट के बारे में जानकारी मिल रही है। ये एलजेब्रा व्यू है, तो आप देख रहे हैं इसमें -5 एप्सिका और 4 ऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो -5 यहाँ से और 4 पॉइंट यहाँ पे, ये क्वार्टन फोर्थ है। अब क्वार्टन फर्स्ट में देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा वो पॉइंट। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों पॉइंट हमारे पॉजिटिव में, जबकि इसमें एक माइनस में था, इसमें दोनों पॉजिटिव में थे। तो फर्स्ट क्वार्टन बच्चों को हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टन में जो भी पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम सेकंड उसमें जाते हैं क्वार्टन में, तो सेकंड क्वार्टन में हमने देखा कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -3 और 5 पॉइंट है। ऐसे हम थर्ड में जाते हैं, थर्ड में हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट -5 और -3। तो ये पॉइंट व्यू था, तो पॉइंट को हम ग्राफिक व्यू में और एलजेब्रा व्यू में देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट कौन सी जगह पे प्लेस है। तो इसके बाद ये जो यहाँ पे देख रहे हैं अंडू कमांड, इससे हम बैक जा सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी पॉइंट है, पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट, ये हम आगे जब काम करेंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद है लाइन टूल्स, तो सबसे पहले लाइंस देख लेते हैं। लाइंस टूल में हम जैसे एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, दूसरा पॉइंट अपने आप हमारा यहाँ आ जाएगा। हम इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी दो पॉइंट्स को हमने एक लाइन से जोड़ दिया है जो इन्फिनिटी है। इसके बाद सिगमेंट्स हैं, सिगमेंट्स में हम एक यहाँ पे क्लिक करा और दूसरा हम इधर को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सिगमेंट्स हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ना। तो सिगमेंट्स, इन दोनों में अंतर होता है, ये इन्फिनिटी लाइन्स होती है, इसमें केवल दो पॉइंट यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन सिगमेंट्स में हम दो पॉइंट को जोड़ सकते हैं। इसको हमने जी नेम दिया, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो अभी हम बताएंगे इसको कैसे चेंज कराया जाता है। उसके बाद है सिगमेंट विद गिवन लेंथ, अगर हमें किसी लेंथ के आधार पर सिगमेंट्स बनाना, कोई लाइन बनानी, तो उसको हम इससे बना सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेंथ पूछेगा कि कितने लंबी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो हमने जैसे 6 दे दी और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर ये लाइन हमारी बन गई है, जिसको एच नाम दिया गया है। और यहाँ पे इसका ग्राफिक भी दिखाई दे रहा है, ये एलजेब्रा व्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम रे आपको पता है कि एक साइड से लेकर दूसरी तरफ चलती है, ये इन्फिनिटी होती है, वन साइड इन्फिनिटी नहीं होती, दूसरी तरफ इन्फिनिटी होती है। इसको हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो हमारी ये रे बन जाएगी। ऐसी पॉलीलाइंस हैं, पॉलीलाइंस में आप कितने भी पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ से हमने इधर को जोड़ा, इधर से हम इधर को ले गए, फिर इधर को ले गए और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया, तो हमारी ये जेड टाइप की लाइंस बन गई। तो ऐसे में हम जिग जैग टाइप की लाइंस इसके आधार पे बना सकते हैं। इसके बाद वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर में इस तरह की लाइंस बनेगी। एक यहाँ पे क्लिक किया और इसमें एरो आ जाता है ऊपर, आप देख रहे हैं एरो टाइप का, ये हमने क्लिक करा तो ये एरो दिख गया। तो इसको भी हम लाइंस टूल्स की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम अंडू कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास पेपेंडिकुलर लाइन टूल्स, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
तो अब हम पेपेंडिकुलर लाइन बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले इस ऑप्शन को ले लेते हैं, पेपेंडिकुलर लाइंस को। तो इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले हम दोबारा पॉइंट ले लेते हैं दो। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। इस लाइन को हम सेगमेंट से जोड़ लेंगे, यहाँ से लेके हमने इसको यहाँ पे जोड़ा सेगमेंट को। तो आप देख रहे हैं कि दो लाइन हमने जोड़ दी है। अब हम इसमें यहाँ से पेपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। तो क्लिक करके पहले ए पॉइंट को क्लिक करेंगे, फिर हम इस लाइन को क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले ए पॉइंट पर ये हमारा पेपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। इसी प्रकार अब हम दूसरा पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे कि पैरेलल लाइंस कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हम फिर पॉइंट्स लेंगे। तो हमने वही पॉइंट्स एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे, और फिर इसको हमने लाइन से सेगमेंट से ड्रॉ कर लिया आपस में। अब हम टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने पेपेंडिकुलर लाइन टूल्स को सिलेक्ट किया और इस लाइन को क्लिक किया। जैसे हमने इसको क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि हमारा एक लाइन इसके पैरेलल बन गई है। तो यही हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएगी। इसके बाद आता है हमारा पेपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसे होगा, अब ये इसको हम बनाते हैं। फिर हम पॉइंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। फिर इन लाइंस को हम आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब हम पेपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को लेंगे, जो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बीचों बीच में हमारी लाइन बन जाएगी। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, डी और ई पॉइंट को। इन पॉइंट्स को आप, अगर हम इन पॉइंट्स को टेढ़ी लाइन भी खींचेंगे तो भी इसको ये बीचों बीच से काटेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ, और फिर इनको आपस में हमने इनसे जोड़ दिया लाइन सेगमेंट से। और अगर मैं यही टूल दोबारा यूज करूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइन बीचों बीच में इसको यहाँ से कट कर रहा है। तो ये था आपका बाइसेक्टर टूल। इसके बाद आता है इसमें एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए हम पहले तीन पॉइंट लेके एंगल ड्रॉ करेंगे, एक दो, और हमने तीन पॉइंट ले लिए। फिर हम यहाँ से इसको आपस में लाइन जोड़ लेंगे, हमने लाइन जोड़ लिए। अब हम यहाँ से एंगल के बीच में एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बी को क्लिक करेंगे और सी को क्लिक करेंगे, तो आपने देखा कि बी पॉइंट पर ये एच लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद आता है आपका टेंजेंट्स, जो सर्कल को टच करते हुए बनता है। तो इसके लिए हमें पहले सर्कल को ड्रॉ करना होगा। तो एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हम इसमें टेंजेंट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे, हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करा, पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे टेंजेंट्स को, यहाँ देख रहे हो सेलेक्ट हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्कल हाईलाइटेड हो गया। उसके बाद इस पॉइंट्स को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सर्कल को टच करती हुई दो लाइंस बन गई है, ये टेंजेंट्स कहलाती हैं। इसी प्रकार आप और टूल्स का भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब हम पॉलीगन बनाना सीखते हैं कि पॉलीगन कैसे बनाया जाता है। तो पॉलीगन बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा ग्राफिक व्यू है इसको चेंज कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करके हम सो एक्सिस को हटा देते हैं, ये हमारी एक्सिस हट गई। अब ये जो हमारी ग्रिड्स हैं इसको भी हटा लेते हैं हम, इसको सो ग्रिड्स को हम नो ग्रिड कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं कि हमारा अब ये पूरा वाइट हो गया। अब बोर्ड की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पॉलीगन्स बनाते हैं जिसमें तीन पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा और तीसरा, और यहाँ आ गया। तो आपने देखा कि हमारा पॉलीगन बन गया थ्री पॉइंट्स वाला। इसी प्रकार हम रेगुलर पॉलीगन भी बना सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दो, अब ये पूछ रहा है फोर, तो फोर लेके भी हम बना सकते हैं। ओके कर देंगे तो फोर पॉइंट्स वाला भी बन जाएगा हमारा। अगर आप चाहते हैं इससे अधिक पॉइंट्स वाला बनाएं, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर हम बना ले सकते हैं। एक, दो, फोर की जगह हम इसको फाइव भी लिख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि फाइव पॉइंट्स वाला पॉलीगन बन गया। इसी प्रकार आप इसमें रिक्ट पॉलीगन भी बना सकते हैं।
इस प्रकार पॉलीगन्स भी आप इसमें बना सकते हैं। तो आपने देखा कि पॉलीगन टूल से हम कई प्रकार के इमेजेस जो हमारे डायग्राम है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सर्कल्स बनाना सीखेंगे, सर्कल्स कैसे बनाए जाते हैं और सर्कल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, इस टूल के माध्यम से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल विद सेंटर थ्रो पॉइंट्स, तो इसमें हम अगर कोई सर्कल बनाना है तो एक पॉइंट लगाया और इसको हम जितना दूर अपना पॉइंटर ले जाएंगे उतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। जैसे हमने इतना बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, तो ये सर्कल शो कर रहा कि एक पॉइंट के बाद हम जितना दूर अपना पॉइंटर ले जाएंगे वहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर देगा। उसी के बाद इसमें एक और है सर्कल सेंटर एंड रेडियस, तो इसको हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हम रेडियस देंगे कि हमें कितना बड़ा सर्कल चाहिए। तो रेडियस के लिए जैसे हमने 4 दे दिया तो ये 4 के अनुसार रेडियस के अनुसार सर्कल ड्रॉ कर देगा। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और इसको हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो अब हम कंपास टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट्स हम यहाँ पे लगाएंगे और एक पॉइंट्स हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद हम कंपास को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम ए में क्लिक करेंगे, बी में क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी को जोड़ता हुआ एक हमारा सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम कंपास टूल। इसके बाद आता है सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट्स, इसमें हम एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो आपने देखा कि एक सर्कल है उसमें हमारे थ्री पॉइंट्स लग चुके। इसमें हम एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है हमारा सेमी सर्कल, दो पॉइंट लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, ये बना। यहाँ पे भी हम अगर बनाना चाहें तो हमारा सेमी सर्कल इस प्रकार बन जाएगा। इसके बाद आर्क अगर हमें लगाना है तो हमें पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आर्क यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम आर्क को सेलेक्ट करेंगे और इसे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार आर्क यहाँ पे लग जाएगा। तो ए पॉइंट के सामने बी और सी आर्क यहाँ पे इस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेमी सर्कल आर्क, इसमें तीन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक, दो और तीन पॉइंट, और यहाँ से हम सेमी सर्कल आर्क ले लेते हैं और ये। तो आपने देखा हमने तीन पॉइंट लिए और उनको जोड़ते हुए हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पर बनाया। इसके बाद हम एक और कमांड देख लेते हैं, इसमें सर्कुलर सेक्टर। इस पर सर्कुलर सेक्टर में आप देखेंगे कि इसमें भी हमें तीन पॉइंट की ज़रूरत है, एक, दो और तीन। तो ये हमने जैसे तीन किया तो ये सर्कुलर इस प्रकार बन गया है। और इसके बाद एक और है सर्कुलर सेक्टर, इसमें भी हम एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, दो यहाँ लगाएंगे और आप देख रहे हैं तीसरा यहाँ लगाएंगे। तो हमारा इस प्रकार एक ये सेमी सर्कुलर सेक्टर ABC ड्रॉ यहाँ पर हो गया है। तो ये थे सारे हमारे कमांड सर्कल से संबंधित। अब हम एक्लिप्स टूल्स को देखने थे। एक्लिप्स टूल है, एक्लिप्स टूल में आप देख रहे हैं एक गोला है, तीन गोले हम लगाएंगे, दो गोले लगाएंगे और एक गोला यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा एक्लिप्स टूल बन जाएगा। मतलब एक सर्कल के अंदर हमारे दो पॉइंट और एक बॉर्डर पर टच करता हुआ पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद है हाइपर बोला, यहाँ लगाया हमने पॉइंट और यहाँ लगाया, तो इस प्रकार ये लाइंस हमारी ड्रॉ हो जाएंगी।